पास आने के बाद मर्द क्यों दूर हो जाते हैं? हैरतअंगेज जवाब। यकीनन ये बात ना समझ में आने वाली है कि मर्द पास आने के बाद दूर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इससे आप बिखर जाती हैं और ये सूरत हाल आपके लिए उदासी या डिप्रेशन का सबब बन सकती है। अब मेरे पास यहाँ दो चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली चीज़ जिसकी समझ लड़की को देर से आती है या पानी सर के ऊपर से गुजरने के बाद आती है, वो है मिलने का और डेटिंग का अमल। अगर आपका साथी आपकी प्राइवेट बातें अपने दोस्तों से शेयर करे, जैसे आपकी तस्वीर दिखाए और ऐसी बातें अपने दोस्तों से कहे जो अगर वो आपको अपनी लाइफ पार्टनर समझता है तो नहीं कहनी चाहिए। इसका पता आपको ऐसे चलेगा कि उसके और आपके बीच तमाम जो कुछ हो वो या तो उसके दोस्त देखते हों या उन्हें एक एक बात का इल्म हो। तो याद रखें, ये ताल्लुकात डरावने हैं। उस वक्त सुकून आपको भी नहीं होगा अगर ऐसे हालात आपके साथ पेश आ रहे हैं, तो आपको या तो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए या अगर आप दोनों इतना पास आ चुके हैं कि दूरी मुमकिन नहीं, तो इस सूरत में आपको दोनों के बीच केमिस्ट्री नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है और इस दफ़ा आपको वो गलतियां नहीं करनी जो आप कर चुकी, ताकि दोनों के बीच मजबूत और बाएतमाद ताल्लुकात कायम किए जा सकें। अब इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए हलवा ना बने बल्कि चैलेंज बने, क्योंकि अगर आप एक बार उसके बहुत क्लोज हो जाएंगी उसका दिल आपसे भर जाएगा और वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए चैलेंज नहीं हलवा बनी हुई थी। याद रखें, आप जब तक उसके लिए कशिश का बाइस हैं आप उसकी तवज्जो हैं। दूसरी चीज़ जो ताल्लुकात को बैलेंस रखती है, आपकी वैल्यू है। अगर आप उसके बहुत क्लोज हो जाएंगी तो माजरत के साथ कि आप अपनी वैल्यू खो देंगी, फिर वो आपको एक आम सी लड़की समझेगा। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि वो आपकी कदर करें और ताल्लुकात पहले जैसे हो जाएं, तो ज़रूरी है कि दोनों के बीच कुछ फासला रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी कदर करें। इसके लिए आप पुरएतमाद रहें, अपनी फिक्र करें, अपनी ज़िंदगी जिए, खुश रहें। आपका एतमाद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपका उसके लिए पागलपन आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। याद रखें, ताल्लुकात में मर्द का पीछे हट जाना मोहब्बत नहीं, जिस्मानी रिश्ता है। अब आपको अपने रिश्ते को ईमानदारी का रूप देना है एक बेहतरीन विज़न के साथ। आपका ताल्लुकात में डर जाना बुरी बात है। अब ज़रूरत है ताल्लुकात को बैलेंस करने की। उम्मीद है इस वीडियो से लड़कियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।